नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पूर्णमासी की यानी कि पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूं, पौराणिक कथा। व्रत का विधान सुनकर माता यशोदा बोली कि हे श्री कृष्ण जी, पूर्व काल में किसने इस व्रत को किया, उसका व्याख्यान करने की कृपा कीजिए। माता यशोदा के ऐसे वचन सुनकर नंद नंदन बोले, पूर्व काल में वैभव से परिपूर्ण कार्तिका नाम का एक महानगर था। उस नगर के राजा का नाम चंद्रहास था। उस नगर में धरेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसकी परम सुशील पत्नी का नाम रूपवती था। वह दोनों प्राणी उस नगर में अत्यंत प्रेम के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उन दोनों को केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो सदैव उदास रहते थे। एक समय की बात है कि उस नगरी में एक महान तपस्वी साधु आए। उस साधु का नित्य नियम था कि वह प्रातः भिक्षा के लिए निकलते और धनेश्वर के पास पड़ोसियों के घर से भिक्षा मांगते और वापस चले जाते, किंतु धनेश्वर के घर से उन्होंने कभी भी भिक्षा नहीं ली थी। योगी का यह नित्य कर्म जब धनेश्वर को ज्ञात हुआ तो वह अपने को भाग्यहीन जानकर अत्यंत दुखी हुआ और एक दिवस अति क्षुब्ध होकर उस साधु की कुटिया पर जा पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, आप मेरे पड़ोस के घरों से नित्य भिक्षा लेते हैं किंतु मेरी भिक्षा स्वीकार नहीं करते। हे महात्मन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आप मेरे घर की भिक्षा नहीं लेते? तब साधु बोले, निसंतान व्यक्ति का अन्न पावन नहीं होता, उसके अन्न को ग्रहण करने से पातक लगता है, इस कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। साधु के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर की आंखों में आंसू बहने लगे और वह रोता हुआ साधु के चरणों में लेट गया और बोला, हे महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, तीनों काल के ज्ञाता हैं, आप मुझे ऐसा कोई सुगम उपाय बताने की कृपा कीजिए जिसके द्वारा मेरा भाग्योदय हो जाए और मैं इस दुख से छुटकारा पा जाऊं, अर्थात मुझे भी पुत्र लाभ होवे। धनेश्वर के ऐसे आर्त वचन सुनकर थोड़ी देर विचार मग्न रहने के बाद योगी बोले, हे ब्राह्मण, तुम महामाया चंडी देवी की उपासना करो, उनकी परम कृपा से तुमको अवश्य ही पुत्र लाभ होगा। योगी का ऐसा आदेश पाकर धनेश्वर ने अपने घर आकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया और उससे परामर्श कर आप घर त्याग कर तपस्या के लिए वन को चला गया और निराहार तपस्या करते हुए जब 20 दिन व्यतीत हो गए तब 21वें दिन रात्रि के समय स्वप्न में चंडी देवी उसे दर्शन देकर बोली, धनेश्वर, तेरे एक पुत्र होगा परंतु 16वें साल में काल कल्वित होगा। तब धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे जगत जननी, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे वह पूर्ण आयु प्राप्त कर सके, असमय में मृत्यु को न प्राप्त हो। तब चंडी देवी बोली, तुम दोनों पति पत्नी यदि 32 पूर्णमासी का व्रत श्रद्धा पूर्ण करो तो तुम्हारा पुत्र चिरायु हो सकता है। तब धनेश्वर बोला, हे माता, इसकी विधि क्या है? तब देवी बोली कि संपूर्ण दिवस निराहार रहने के बाद संध्या को एक आटे का दीपक बना स्वच्छ रूई की बत्ती एवं घृत के संयोग से प्रज्वलित कर विधि पूर्वक पार्वती सहित शिव जी का पूजन करो। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत करने से पुत्र चिरायु हो जाएगा। अब तुम्हें पुत्र उत्पन्न होने का उपाय बताती हूँ। प्रातः काल तुमको सामने वाले आम के वृक्ष में एक सुंदर फल लगा दिखाई देगा। पेड़ पर चढ़कर तुम उसे तोड़ लेना और जिस दिन तुम्हारी पत्नी ऋतुकाल के पश्चात स्वच्छ होवे तब उसे खिला देना, इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। प्रातःकाल देवी के कहे अनुसार सामने ही आम के पेड़ पर सुंदर फल को लगा देख धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और सावधानी से फल तोड़कर नीचे ले आया। फिर प्रसन्नता के साथ अपने घर जाकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया। दैव योग से उसकी पत्नी उसी दिन ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ हुई थी। उसने शंकर जी का बार बार स्मरण करके वह फल खाया और देवी की परम कृपा से गर्भवती हो गई। 9 मास पश्चात 10वां मास प्रारंभ होते ही उसकी एक चंद्रकांति के समान सुंदर एवं स्वस्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। देवी की कृपा के कारण दोनों पति पत्नी ने उसका नाम देवदास रखा और प्रेम से उसका लालन पालन करने लगे। अब वह बालक चंद्रकला के समान बड़ा होने लगा।
देवी की कृपा से वह बालक पढ़ने लिखने आदि में अति निपुण था। जब वह 7 बरस का हुआ तो धनेश्वर ने अपनी पत्नी को पूर्णमासी व्रत का स्मरण कराया और दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक पूर्णमासी का व्रत करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे 15 वर्ष व्यतीत हो गए और देवदास ने 16वें वर्ष में प्रवेश किया। तब धनेश्वर अपनी पत्नी से बोला कि देवी के कथनानुसार देवदास 16 साल का होते ही काल कल्वित हो जाएगा, किंतु यह हम अपनी आंखों से कैसे देख सकेंगे, मेरा हृदय अभी से विदीर्ण हो रहा है। तब पत्नी ने परामर्श दिया कि मेरी राय से देवदास को उसके मामा के साथ शिव की नगरी काशी भेज दिया जाए। यह वहीं रहकर विद्याध्ययन भी करेगा और जिन भगवान शंकर की कृपा से हमें यह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है वही इसे पूर्णायु प्रदान करेंगे। इस प्रकार आपस में विचार करके देवदास के मामा को बुलाकर दोनों को काशी के लिए रवाना कर दिया और दोनों पति पत्नी उसकी कुशलता की कामना हेतु पूर्णिमा व्रत करते हुए दिन व्यतीत करने लगे। देवदास अपने मामा के साथ काशी के लिए चल दिया और कई दिनों के बाद एक नगर में जा पहुंचा। जब तक शाम हो गई थी, अतः मामा भांजे दोनों एक धर्मशाला में जा ठहरे। उसी धर्मशाला में एक बारात आकर ठहरी। देवी प्रेरणा से जब भावर का समय आया तब कुछ देर पूर्व ही दूल्हे पर पक्षाघात का एक ऐसा प्रबल आक्रमण हुआ कि दूल्हे के पिता आदि संबंधी अत्यंत विकल हो गए। तब किसी ने परामर्श दिया कि इसी धर्मशाला के अमूक कमरे में वर के अनुरूप एक युवक ठहरा है, उसे किसी प्रकार संतुष्ट कर उसी के साथ भावरे डलवा दी जाए और अन्य जो भी वैवाहिक कार्य होंगे वह वर के साथ हो जाएंगे। सबकी सम्मति से लड़के के पिता ने देवदास के मामा के पास जाकर निवेदन किया कि अपने भांजे को कुछ देर के लिए मुझे प्रदान करें, जिससे कि मेरे पुत्र का विवाह कार्य संपन्न हो सके। तब उसके मामा ने कहा कि कन्यादान के समय मधुपर्क के अतिरिक्त जो कुछ भी मिलेगा वह मैं ले लूंगा। यदि आपको यह बात स्वीकार हो तो मेरा भांजा आपके कार्य हेतु प्रस्तुत है। वर के पिता ने उसका यह प्रस्ताव स्वीकार किया और देवदास को दूल्हा बना लिया गया और उसी के साथ विवाह कार्य संपन्न हो गया। उसे कन्या के साथ भोजन के लिए एकांत भवन में भेज दिया गया, किंतु देवदास मारे संकोच के भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि यह दूसरी की स्त्री है और इसके साथ भोजन करने से इसका धर्म नष्ट हो जाएगा। इससे व्यथित होकर उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। यह देखकर वह कन्या बोली, मैंने देव द्विज अग्नि एवं अनेक संबंधियों के समक्ष आपको पति के रूप में स्वीकार किया है, अब मैं किसी दूसरे को अपना पति नहीं बना सकती हूँ। तब देवदास बोला कि आपके इस निश्चय से आपका अनिष्ट होगा, किंतु मेरी आयु का केवल 1 वर्ष शेष है, अतः इस विचार को अपने हृदय से निकाल दीजिए। तब कन्या बोली, हे स्वामी, आप मेरी चिंता न कीजिए, यदि मैं धर्म पथ पर अडिग हूँ तो ईश्वर मेरा कल्याण करेगा, आप इसकी चिंता त्याग कर प्रेम से भोजन करें। तब देवदास ने उसके साथ भोजन का शयन किया और प्रातः ब्रह्म बेला में ही शैया त्याग कर पत्नी को जगाया और उसे एक दुपट्टा प्रेम पूर्वक प्रदान करके बोला, हे भामिनी, अब मैं तुमसे विदा होकर काशी जा रहा हूँ, यदि परमात्मा की कृपा से जीवित रह गया तो अवश्य ही मिलूंगा। वैसे मेरी मृत्यु व जीवन जानने के लिए तुम अपने भवन में उत्तम सुगंध वाली नवपल्लिका का पेड़ लगाना और उसे नित्य प्रति अपने हाथों से सींचना। जब तक वह पेड़ हरा भरा व फूलता फलता रहे तो मुझे जीवित समझना, कदाचित वह पेड़ मुरझाकर सूख जाए तो जान लेना मैं संसार में नहीं रहा, अतः संतोष के साथ मर्यादा का पालन करना। देवदास इतना कह पत्नी से विदा होकर अपने मामा के पास जा पहुंचा और दोनों मामा भांजे उसी समय काशी यात्रा पर चल पड़े और कुछ काल बाद काशी में जा पहुंचे। इधर सवेरा होते ही बारात की विदाई की तैयारी होने लगी। समस्त बारातियों व वर के साथ वर का पिता मंडप में जा पहुंचा। तब उस कन्या ने वर को देखकर अपने पिता को अपने पास बुलाया और बोला कि आपने जिस वर के साथ मेरा विवाह किया है वह यह नहीं है, अतः यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। तब तो सभी बाराती बिगड़ कर बोले, तुम्हारी शादी इसी वर के साथ हुई थी, अतः तुमको चलना पड़ेगा। तब कन्या बोली, मैंने कन्यादान के समय कुछ आभूषण वर को दिए थे, वह दिखाइए तथा मैंने क्या क्या गुप्त बातें इसे बताई थी वह ये सुना दे, यदि सत्य होगा तो मैं जान लूंगी। कन्या के ऐसे वचन सुनकर पक्षाघात से पीड़ित वर लज्जित हो गया और समस्त बारातियों के साथ वापस चला गया। देवदास को काशी जी में निवास करते हुए 1 वर्ष होने को आया तो एक दिन काला सर्प उसे डसने की कामना से उनके कमरे में आया। देवदास उस समय सो रहा था, अतः उस सर्प का आगमन न जान सका। उस सर्प के प्रभाव से देवदास के आसपास की सारी धरती काली पड़ गई, परंतु उस विष का प्रभाव देवदास पर नहीं हुआ।
क्योंकि इधर उसकी माता 32 पूर्णमासी का व्रत करने का अपना संकल्प पूरा कर चुकी थी, अतः देवदास के प्राण न निकले और वह जीवित रहा। सांप के निष्क्रिय होने का समाचार जब यमराज को पहुंचा तो उसने अपने वाहन पर सवार होकर देवदास के प्राण लेने को चल दिए। रात्रि का समय था, काशी में काशीपति के गण चारों ओर घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि यमराज पर पड़ी तो वह उनके आगमन का कारण जानने की उत्सुकता को न दबा सके और यह समाचार देने के लिए वह देवाधिदेव शंकर के पास जा पहुंचे और विस्तार से सारा हाल भवानी शंकर को सुनाया। त्रिकालदर्शी शिवजी ने अपनी यौगिक शक्ति से उसकी माता द्वारा व्रतों का संकल्प और यमराज के आगमन का सारा हाल गिरिजा को कह सुनाया। यह सुनकर गिरिजा मातृ व्यथा से व्यथित हो उठी और शिवजी से बोली कि हे स्वामी, मेरी विनय है कि आप उस अबोध देवदास को अभयदान दीजिए, क्योंकि वह आपके शरणागत है और उसकी माता ने भी आपकी पूजा करते हुए 32 पूर्णिमाओं का व्रत पूरा कर लिया है, इसीलिए उस पर कृपा करके देवदास को जीवन दान दीजिए। भक्त वत्सल भगवान शिव गौरा के ऐसे वचन सुनकर हर्षित हो देवदास के स्थान पर गए जहां पर प्राण ही निश्चल पड़ा था। शंकर जी उसके मुंह में एक अमृत बूंद डालकर अंतर्ध्यान हो गए और देवदास सोए हुए व्यक्ति के समान उठ बैठा और अपने मामा से कहने लगा कि 16वां साल भगवान की कृपा से पूरा हो गया है, इसीलिए अब घर चलना चाहिए। यह विचार करके दोनों घर के लिए चल दिए। इधर माता उसकी पत्नी व उसके आदेश के अनुसार नवपल्लिका का पेड़ लगा नित्य पावन जल से सींचती हुई अपने पति के ध्यान में मग्न रहती थी। जब यमराज ने देवदास के प्राण निकाले तब नवपल्लिका के मुरझाए हुए पुष्पों को देखकर वह अति व्यथित हो गई और कुछ काल बाद ही जब देवदास को शिवजी ने जीवित कर दिया तब नवपल्लिका के पुष्प पुनः सुरक्षित एवं पूर्व प्रभायुक्त हो गए। यह देख वह आनंद तिरेक ने अपने पिता के पास जाकर बोली, मेरे प्राणनाथ जीवित हैं, आप मेरी विनती पर ध्यान दीजिए और उनका पता लगाने का प्रयत्न कीजिए। अभी बाप बेटी में यह बात चल ही रही थी कि बाहर से समाचार मिला कि आपका दामाद देवदास आपके द्वार पर आ गया है। तब दोनों बाप बेटी प्रसन्न होकर शिव जी का गुणगान करने लगे और अपने संबंधियों को एकत्र कर सबके समक्ष उसकी परीक्षा करके और परीक्षा में भली भांति जब विश्वास हो गया कि यह वही लड़का है जिसके साथ विवाह हुआ था, तब बड़ा आनंद मनाया गया और एक सप्ताह तक उसकी मेहमानदारी करने के पश्चात तमाम दहेज आदि के साथ कन्या सहित विदा कर दिया गया। तब देवदास पत्नी सहित मामा के साथ अपने गांव पहुंचे। घर में पहुंचकर पत्नी सहित माँ बाप के चरणों में शीश नवाया। माँ बाप परम प्रफुल्लित हुए और दोनों को अनेक आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। धनेश्वर ने अपने पुत्र को मृत्यु भय से मुक्त हो जाने पर बड़ा भारी उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को अति प्रसन्न होकर दान देकर संतुष्ट किया। यशोदा नंदन श्री कृष्ण बोले, हे माता जी, जो स्त्रियां श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करती हैं वह वैधव्य की विषम व्याधि से मुक्त हो, अटल सौभाग्यवती हो, सकल सुखों की अधिकारिणी होती हैं। मेरे इन वचनों में लेश मात्र भी संशय नहीं है। इस व्रत को करने वाला चाहे स्त्री हो पुरुष हो, भगवान शंकर की कृपा से संसार के सकल आनंद भोग कर अंत में आवागमन रहित होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से पूर्णमासी व्रत की यह कथा यहीं पर संपन्न होती है। हर हर महादेव। कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको हर व्रत त्योहारों की कथाएं प्राप्त होती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में सभी व्रत त्योहारों की कथाएं आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय शिव शंकर और घरदानी, जय मैया पार्वती।